स्टूडेंट्स, आज हम इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज 8.2 करेंगे। इवैल्यूएट द फॉलोइंग, साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 60? रूट 3 बाई 2। कॉस 30 इज ऑल्सो रूट 3 बाई 2। साइन 30 इज 1 बाई 2 एंड कॉस 60 इज 1 बाई 2। मैंने आपको बोला था कि जब मैंने ये सेशन करवाया था, सारे टेबल में मैंने आपको सारे वैल्यूज लिखने बोले थे विद रिस्पेक्टिव रेशियोज। अगर आपने वो किया है तो वो टेबल आप साइड में रेफर करो इस एक्सरसाइज के लिए एंड फिर सॉल्व करो, ठीक है? सो साइन 60 इंटू कॉस 30 क्या होगा? रूट 3 बाई 2 इंटू रूट 3 बाई 2 प्लस साइन 30 क्या है? 1 बाई 2 एंड कॉस 60 क्या है? 1 बाई 2, करेक्ट? ऐसा है, इसको ब्रैकेट में डाल दो। सो ये क्या हो जाएगा? 3 बाई 4 प्लस 1 बाई 4, करेक्ट, विच इज इक्वल टू 4 बाई 4 विच इज इक्वल टू 1। समझ आया? हमने क्या किया? खाली वैल्यू सब्सटीट्यूट किया, सॉल्व किया एंड हमें वैल्यू मिल गया 1, ठीक है? नेक्स्ट, 2 टैन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। सो टैन 45 का वैल्यू क्या होता है? 1। कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है? रूट 3 बाई 2 एंड साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? रूट 3 बाई 2, करेक्ट? सो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस कॉस 30 रूट 3 बाई 2, रूट 3 बाई 2 स्क्वायर माइनस रूट 3 बाई 2 स्क्वायर, करेक्ट? दैट इज 2 इंटू 1 इज 2, 2 प्लस रूट 3 इंटू रूट 3 इज 3 एंड 2 इंटू 2 इज 4 प्लस 3 बाई 4 माइनस 3 बाई 4। सो 2 एंड यहाँ पे प्लस रूट 3 बाई 4 माइनस 3 बाई 4 कैंसिल हो गया, सो क्या बचा? 2। हेंस योर फाइनल आंसर इज 2। समझ आया? वेरी इजी। कॉस 45 डिग्री अपॉन सेक 30 प्लस कोसेक 30 डिग्री, ठीक है? सो कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है? 1 बाई रूट 2। सेक 30 क्या होता है? 2 बाई रूट 3। क्यों? क्योंकि कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है? रूट 3 बाई 2। सेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, सो रूट 3 बाई 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 2 बाई रूट 3। एंड कोसेक 30 की वैल्यू क्या होती है? 2। क्यों? क्योंकि साइन 30 की वैल्यू होती है 1 बाई 2। सो साइन 30 दैट इज 1 बाई 2 को आप रेसिप्रोकेट करोगे, दैट इज उसका रेसिप्रोकल करोगे तो क्या हो जाएगा? 2, क्योंकि कोसेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन, करेक्ट? सो अब क्या करना है? आपको सब्स्टिट्यूट करना है। अब देखो, बहुत से स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि जब फ्रैक्शंस होते हैं सारे सो डिवाइड करना, जैसे यहाँ पे 1 बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 बाई रूट 3। अब बहुत स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि न्यूमरेटर में यहाँ क्या जाएगा, डिनोमिनेटर में क्या होगा, समझ आ रहा है? तो इसीलिए ऐसे अगर आपको कंफ्यूजन हो सो आप ये डिवीजन की जगह ये डिवीजन का साइन भी यूज कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम, आपका सम करेक्ट होना चाहिए। सो अगर मैं लिखूं कॉस 45 डिग्री, ये डिवाइड साइन ये यूज करके 2 बाई रूट 3 प्लस रूट 2, सो सम गलत नहीं होगा, करेक्ट है, ठीक है? आप ऐसे भी यूज कर लिख सकते हो, नहीं तो अगर आपको इसमें कंफर्टेबल हो आप इसमें, तो आप ये भी यूज कर सकते हो, ठीक है? सो क्या होगा? तो आप अब क्या करोगे? आप खाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे, दैट इज 1 बाई रूट 2 डिवाइडेड बाई सेक 30 इज 2 बाई रूट 3 प्लस 2। बट ब्रैकेट का ध्यान रखना, ठीक है? ब्रैकेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो सम गलत हो सकता है, आपको ही कंफ्यूजन होगा। सो 1 बाई रूट 2 डिवाइडेड बाई, अब इसका एलसीएम ले लो, रूट 3 एज इट इज नीचे आ जाएगा, सो 2 प्लस 2 रूट 3 बाई रूट 3। तो अब ये डिवीजन को आप मल्टीप्लाई कर दो तब आप जाके रिड्यूस कर पाओगे। सो 1 बाई रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई रूट 3 अपॉन 2 प्लस 2 रूट 3। सो क्या हो जाएगा? रूट 3 बाई रूट 2। देखो यहाँ रूट 3 बाई रूट 2 अब डिनोमिनेटर में तो आप रूट नहीं रखोगे, क्या करोगे? रैशनलाइज। हमने बहुत सारे सम्स देखे जिसमें हमने रैशनलाइजेशन किया है। सो रूट 3 बाई रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई रूट 2 अपॉन रूट 2 हो जाएगा एंड यहाँ पे 2 प्लस 2 रूट 3 में आप 2 कॉमन ले लोगे, सो क्या बचेगा? 1 अपॉन 2 ब्रैकेट में 1 प्लस रूट 3। फिर इसको भी आप ये रैशनलाइज कर दो, मल्टीप्लाई कर दो 1 माइनस रूट 3 एंड डिनोमिनेटर में भी 1 माइनस रूट 3। सो रूट 3 बाई रूट 2 इंटू रूट 2 बाई रूट 2 इंटू 1 बाई
टू इंटू वन प्लस रूट थ्री मैंने अभी एक्सप्लेन किया, सो इसको भी आप रैशनलाइज कर दोगे, सो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, वन माइनस रूट थ्री से। यहाँ क्या चेंज होगा, खाली साइन चेंज होगा, ठीक है। सो ये क्या हो गया, रूट थ्री मल्टीप्लाइड बाई रूट टू इज रूट सिक्स, सो रूट सिक्स अपॉन रूट टू इंटू रूट टू इज फोर मल्टीप्लाइड बाय वन माइनस रूट थ्री। अब ये देखो, रूट टू मल्टीप्लाइड बाई रूट टू इज टू एंड टू मल्टीप्लाइड बाई दिस टू इज फोर, करेक्ट। अपॉन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो फॉर्मूला लगेगा। सो ए स्क्वायर क्या होगा, वन स्क्वायर दैट इज वन माइनस रूट थ्री द होल स्क्वायर दैट इज थ्री, सो वन माइनस थ्री माइनस टू। अब देखो दिस स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो रूट सिक्स इंटू वन माइनस रूट थ्री अपॉन फोर इंटू माइनस टू नेगेटिव में जा रहा है, सो अब डिनोमिनेटर से नेगेटिव साइन हटाने के लिए आप न्यूमरेटर का साइन चेंज कर दोगे, न्यूमरेटर में क्या कर दोगे, साइन चेंज। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एट की जगह प्लस एट और वन माइनस रूट थ्री की जगह रूट थ्री माइनस वन, समझ आया। सो ये हो जाएगा रूट सिक्स इंटू रूट थ्री माइनस वन अपॉन एट, ठीक है। अब क्या करो, रूट सिक्स को मल्टीप्लाई कर दो, ब्रैकेट ओपन कर दो, रूट सिक्स इंटू रूट थ्री इज रूट एटीन माइनस रूट सिक्स अपॉन एट, सो रूट एटीन कैन बी रिटन एज थ्री रूट टू, क्योंकि थ्री सिक्स जा एटीन, ठीक है, समझ आ रहा है। सो आप क्या करोगे, एटीन के फैक्टर्स निकालोगे, फिर जो दो आ रहा है उसको बाहर ले लोगे, सो थ्री रूट टू माइनस रूट सिक्स अपॉन एट इज योर फाइनल आंसर, समझ आया। ये स्टेप ध्यान रखना, ये स्टेप में अगर आपने मिस्टेक की तो पूरा करेक्ट होते होते आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, गलत, ठीक है। नेक्स्ट, साइन 30 प्लस टैन 45 माइनस कोसेक 60 अपॉन सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45। अब नाउ आई एम अज्यूमिंग कि आपको सारे वैल्यूज याद है, प्लस आपको पता है कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसका रेसिप्रोकल है, इसीलिए मैं वो सब एक्सप्लेन नहीं कर रही, मैं डायरेक्टली आपको कैलकुलेशन एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। साइन 30 क्या है, 1/2 प्लस 1 दैट इज टैन 45 माइनस कोसेक 60 2/√3। अब ये पूरा एक ब्रैकेट में लेके डिवाइड का साइन दोगे, क्योंकि ये तीनों टर्म्स न्यूमरेटर में है, ठीक है, ब्रैकेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो जैसे यहाँ पे मैंने पर्पजली ब्रैकेट नहीं डाला, ये क्या है, सही है कि गलत है। अब इससे आपको ऐसा कंफ्यूजन नहीं हो रहा कि यहाँ पे दिस एंटायर थिंग इज डिवाइडेड ओनली बाय 2√3 एंड 1/2 प्लस 1 अलग से है, लग रहा है ना, सो इसी से आपका मिस्टेक हो सकता है, इसीलिए इसको आप क्या करोगे, ब्रैकेट में डालोगे, समझ आया। सो ये क्या होगा, अब आप इसका एलसीएम लोगे, इसका एलसीएम क्या होगा, 2√3, डिनोमिनेटर में 2√3 आएगा, अब 2 ऑलरेडी है सो खाली रूट थ्री से माइनस होगा दैट इज रूट थ्री प्लस 1, सो 2√3 एज इट इज आ जाएगा माइनस 4, क्योंकि रूट थ्री एज इट इज था यहाँ पे, सो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4 अपॉन 2√3 डिवाइडेड बाई, सिमिलरली यहाँ भी एलसीएम आपका 2√3 आएगा, सो 4 प्लस रूट थ्री प्लस 2√3, ठीक है। अब क्या करोगे, डिवाइड को क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई, सो ये जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, दैट इज जब डिविजन से मल्टीप्लीकेशन करते हो, सो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में एंड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाता है, सो ये क्या होगा, 3 प्लस 2√3 माइनस 4 अपॉन 2√3 इंटू 2√3 अपॉन रूट 3 प्लस 2√3 माइनस प्लस 4। देखो सब यहाँ पे रूट थ्री मैं कॉमन ले लूंगी, सो रूट थ्री कॉमन लूंगी तो क्या बचेगा, 1 प्लस 2 दैट इज 3√3, सिमिलरली यहाँ भी रूट थ्री कॉमन ले लूंगी, सो 1 प्लस 2 दैट इज 3√3, सो यहाँ 2√3 कैंसिल हो गया, सो 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4। रैशनलाइज मैं क्या कर रही हूँ, मैं डिनोमिनेटर के टर्म को रैशनलाइज कर रही हूँ, ठीक है, सो मल्टीप्लाइड बाई 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 माइनस 4। अब देखो यहाँ पे आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर न्यूमरेटर में नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये दोनों देखो, ये a माइनस बी और ये a माइनस बी है, सो ये क्या हो गया, a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ लगेगा, यू विल यूज a माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, समझ आया। यहाँ पे आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज व्हाट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो जब आप पूरा सॉल्व करोगे आपको क्या मिलेगा, 43 माइनस
24 रूट 3 बाई 11 जो कि फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता, इसीलिए एज इट इज रखो। ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। वेरी इजी, खाली आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करना है। सो 5 इंटू 1 बाई 2 द होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 बाई रूट 3 द होल स्क्वायर, क्योंकि sec 30 की वैल्यू क्या है 2 बाई रूट 3 माइनस tan 45 इज 1 डिवाइडेड बाई sin 30 इज 1 बाई 2 द होल स्क्वायर प्लस रूट 3 बाई 2 द होल स्क्वायर। अब देखो यहां पे जब ऐसा हो तो यहां पे आप स्क्वायर ब्रैकेट डालोगे। ठीक है, अब स्क्वायर ब्रैकेट का इम्प्लीकेशन समझ आया, कैसे डालोगे? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर राउंड ब्रैकेट होगा। सो ये आप पूरा सॉल्व करो तो 5 बाई 4 प्लस 16 बाई 3 माइनस 1, ठीक है, क्योंकि 2 टू जा 4, 4 फोर जा 16, रूट 3 इंटू रूट 3 इज 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 बाई 4 प्लस 3 बाई 4, तो वो क्या हो गया 4 बाई 4 दैट इज 1। सो वो पार्ट तो चला गया। यहाँ पे आप क्या लोगे एलसीएम, एलसीएम क्या होगा 12, 4 3 जा 12, सो क्या हो जाएगा 15 प्लस 64 माइनस 12 बाई 12 डिवाइडेड बाई 4 बाई 4 दैट इज 1। सो फाइनल आंसर इज 67 बाई 12। समझ आया, यहाँ पे आप आंसर छोड़ सकते हो। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। मतलब आपको क्या करना है, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है बट जस्टिफाई करना है कि वो कैसे, मतलब जस्टिफाई मतलब क्या, यहाँ पे इसको आपको सॉल्व करना है एंड सॉल्व करने के बाद जो ऑप्शन आया दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30, tan 30 की वैल्यू क्या है 1 बाय रूट 3, सो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 बाय रूट 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 बाय रूट 3 द होल स्क्वायर। देखो अब यहाँ पे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट डाला, समझ आया, ये 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय रूट 3 है तो स्क्वायर ब्रैकेट नहीं भी डालोगे तो चलेगा, बट अगर आपको डालना हो तो आप डाल सकते हो। ठीक है, सो क्या होगा 2 बाय रूट 3 डिवाइडेड बाय 4 बाय रूट 3। ठीक है, क्यों, कैसे 4 बाई रूट 3 आया, रूट 3 मल्टीप्लाई बाई रूट 3 इज 3, सो 3 प्लस 1 दैट इज 4 बाई 3, सो ये हो गया 2 बाई रूट 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 बाई 4, सो 2 वन जा 2 टू जा 4, सो ये क्या हुआ 3 बाई 2 रूट 3। अब खाली आप जो फ्रैक्शन है जो कि रूट है, खाली रूट को आप रैशनलाइज करते हो, सो 3 बाई 2 रूट 3 मल्टीप्लाइड बाई रूट 3 बाई रूट 3, तो यहाँ पे क्या हो गया रूट 3 इंटू रूट 3 इज 3, 3 3 कैंसिल, 3 रूट 3 बाई 2 दैट इज साइन 60। साइन 60 है यहाँ पे, है देखो ऑप्शन ए, दस ऑप्शन ए इज करेक्ट। समझ आया। नेक्स्ट, 1 माइनस टैन स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर 45, टैन 45 की वैल्यू क्या होती है 1, इजीएस्ट, सो 1 माइनस 1 द होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 द होल स्क्वायर दैट इज 1 माइनस 1, 1 प्लस 1 0 बाई 2 दैट इज 0। समझ आया, सो दस ऑप्शन डी दैट इज 0, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। समझ आया। नेक्स्ट, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a इज ट्रू व्हेन। मतलब अब आपको ये देखना है कि साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a ट्रू है, अब कब, ये चार वैल्यूज है। अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चारों वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा एक ही जगह। ठीक है, सो मैं यहाँ जीरो से स्टार्ट कर रही हूँ, अगर फर्स्ट ऑप्शन में ही मिल को मुझे आंसर मिल गया इसका मतलब ही है कि बाकी तीनों ऑप्शन गलत है। सो व्हेन ए इज जीरो साइन टू ए क्या होगा, साइन टू इंटू जीरो दैट इज साइन जीरो, वैल्यू ऑफ साइन जीरो इज जीरो। नाउ टू साइन ए क्या होगा, टू इंटू साइन जीरो इज जीरो दैट इज टू इंटू जीरो दैट इज जीरो, दैट मीन्स साइन टू ए इज इक्वल टू टू साइन ए फॉर ए इज इक्वल टू जीरो, हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए। समझ आया। नेक्स्ट, टू टैन थर्टी अपॉन वन माइनस टैन स्क्वायर थर्टी, क्या है टैन थर्टी की वैल्यू वन बाय रूट थ्री, सो टू इंटू वन बाय रूट थ्री डिवाइडेड बाय वन माइनस वन बाय रूट थ्री द होल स्क्वायर दैट इज टू बाय रूट थ्री इंटू थ्री बाय टू, सो थ्री बाय रूट थ्री को रैशनलाइज करोगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय रूट थ्री, सो विच इज इक्वल टू रूट थ्री विच इज इक्वल टू टैन सिक्सटी, हेंस ऑप्शन सी दैट इज टैन सिक्सटी इज करेक्ट। समझ आया। सो व्हाट हैव यू लर्न टुडे, आज हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का सेकेंड एक्सरसाइज देखा, अभी नेक्स्ट सेशन में ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। आपने देखा कि वैल्यूज आपको खाली याद रखने, सो हैव अ गुड रिविजन, प्रैक्टिस मैथ्स डेली। थैंक यू।